हेलो दोस्तों, मैं अनिल प्रजापति। हमारे इस वीडियो एंड हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो हमारा पीवीसी एंड स्लॉट पेपर कटिंग पर है। यदि आप इस काम को सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आइए दोस्तों, दिखाते हैं कि मैं पीवीसी एंड स्लॉट पेपर की नाप एंड कटिंग कैसे करता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटर की मोटाई निकालेंगे। स्टेटर की मोटाई कितनी है, यहाँ पर देखिए यह 1 इंच का है, यहाँ पर देखिए यह 1 इंच का है। तो हमें कितना लंबा पीवीसी पेपर की कटिंग करनी है, कितनी लंबी कटिंग करनी है कि दोनों साइड होल्डिंग करने पर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 3 सूत बढ़ा रहे हैं। यदि आप नए हैं तो आप 4 सूत बढ़ा लें। इस तरीके से इसकी साइज निकल आती है। आइए दोस्तों, कटिंग को शुरू करते हैं। कटिंग करने के लिए यहाँ पर हमने इस प्रकार से एक फ्रेम बना रखा है और यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं पीवीसी पर इस साइड पर। उसके बाद यहाँ एक मार्किंग बीच में कर लेते हैं ताकि पेपर सीधा कटे, और एक मार्किंग यहाँ इस साइड पर। इस तरीके से हम 3 जगह पर मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद हम पेपर को खिसका कर मार्किंग पर कर लेते हैं, यहाँ इस तरीके से इसे फिक्स कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ रिंच से इसे टाइट कर लेते हैं ताकि पेपर हमारा आगे पीछे खिसके ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम चाकू से सीधे यहाँ से लगाते हुए यहाँ नीचे तक कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड्स यह बिल्कुल सीधा कटता है। उसके बाद हम स्लॉट की गोलाई की नाप किस प्रकार से निकालता हूँ, यहाँ पर देखिए पहले हम पेपर को इस प्रकार से स्लॉट में फंसा लेंगे, लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमने पेपर की कटिंग करता हूँ। उसके बाद इसे एक बार फिर से लगाकर देखता हूँ कि इसकी साइज सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ स्केल से इसकी साइज को देखता हूँ कि इसकी क्या साइज है यहाँ पर। उसके बाद उसी साइज को यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। यह पेपर काटने का हमारा फ्रेंड्स दूसरा जुगाड़ है। यहाँ पर देखिए इस जुगाड़ को बनाने में फ्रेंड्स तकरीबन 25 से 30 रुपए का खर्च आता है। इस तरीके से यह मैं बना रखा हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स पेपर की जो साइज है वह एक समान होती है, एक साइज ही होती है और सीधा रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक साइज की पेपर कटिंग करता हूँ। उसके बाद इस तरीके से दोनों साइड फोल्ड करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से, उसके बाद स्लॉट में इंस्टॉल कर लेता हूँ। इस तरीके से आइए फ्रेंड्स लगाकर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं स्लॉट पेपर को लगाता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ। आज का वीडियो फ्रेंड्स हमारा यहीं तक। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए इस तरीके से मैं पीवीसी पेपर को लगाता हूँ।